हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज तो भाई मतलब इतने सारे यार बड़े बड़े एनिमे अपडेट्स हैं ना, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया एनिमे अपडेट्स भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेक्टिव कोनन की एक न्यू हिंदी डब मूवी से लेकर, जो कि आने वाली है ईटीवी बाल भारत पर। फिर सिंचैन के भी न्यू मूवी से लेकर यार बात करने वाले हैं। ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आई है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारे यार एनिमे अपडेट्स हैं, तो वीडियो में यार बने रहिए, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और आज का वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा एंड तक भाई देखना, और जो जो मैं बोलूंगा वो सब यार करना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल में अगर न्यू आए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारा पहला अपडेट है इंडियन न्यूज़पेपर से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली टाइम्स में 13 अक्टूबर को न्यूज़पेपर में एनिमे के बारे में भाई दिया हुआ था। ट्रेडिशनल कार्टून से अलग जापानी एनिमेशन बना बच्चों की पसंद, बच्चों का दोस्त बनना है तो एनिमे से दोस्ती कर लो। तो देखो यार, इस तरह यहाँ पे पेपर में दिया हुआ है, जहां पर जुजुत्सु काइसेन, वन पीस, नारुतो के बारे में दिया हुआ है, साथ ही में अटैक ऑन टाइटन के बारे में भी दिया हुआ है। एनिमे समझने के लिए इनसे कर सकते हैं शुरुआत। डेथ नोट, नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल जी, ब्लिच, जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन, डिमन स्लेयर, मतलब पेपर में भी भाई एनिमे को यार रिकमेंड किया जा रहा है कि एनिमे अगर देखना है तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा यार बढ़िया बात है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है इस टाइम फॉर रेगुलर सीजनल डोज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो ये एनिमे है, इसका इंग्लिश डब आने वाला है 16 अक्टूबर को, और हिंदी डब भी शायद हमें इसी वेडनेसडे को देखने को मिल सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन किया है द एनिमे गीक ऑफिशियल ने। और आपको बताना चाहूंगा कि डेन डैडन अपने वे पर है, वो बहुत जल्दी भाई किसी भी टाइम क्रंची रोल पर रिलीज हो सकता है हिंदी डब के साथ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नो लॉन्गर सॉल वी ब्ला ब्ला ब्ला। जो ये एनिमे है, इसका इंग्लिश डब हमें इस वीक देखने को मिलेगा, और जो इसका हिंदी डब है वो शायद से हमें अगला सप्ताह देखने को मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड से लेकर। तो इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा जो अगला अपडेट है, ये है सिंचैन की न्यू मूवी से लेकर। तो सिंचैन की एक न्यू मूवी आने वाली है सोनी ये पर, जो कि सिंचैन की 25 मूवी होने वाली है, और ये एक ब्रांड न्यू मूवी है जिसका नाम है इन्वेंशन एलियन सीरीरी, और ये प्रीमियर होने वाली है सोनी ये पर दोपहर 1 बजे 19 अक्टूबर को। और इस मूवी में भाई बहुत सारे अडल्ट सीन है उस तरह के, तो देखते हैं कि सोनी है इसको किस तरह से सेंसर करता है। हमारा अगला अपडेट है मकोतो सिनकाई से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वो आए थे इंडिया MMAJ इवेंट में, और वहां पर उनको यार काफी ज्यादा बढ़िया लगा, तो हो सकता है कि अगर उनकी फ्यूचर में कोई न्यू मूवी आती है एनिमे फिल्म जिन्होंने सुजुमे को बनाया था, तो हो सकता है कि अगर उनकी कोई न्यू एनिमे मूवी आती है और इंडिया में रिलीज होती है तो शायद से वो दोबारा से इंडिया आ सकते हैं। हमारा जो अगला अपडेट है, ये है ड्रैगन बॉल दाइमा के हिंदी डब से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको नवंबर तक देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके हिंदी डब में बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और वो प्रॉब्लम ये होने वाली है कि क्रंची रोल भाई हम एनिमे फैंस के इमोशंस के साथ खेलने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्रंची रोल बहुत सारे हिंदी डब को इतना ज्यादा टट्टी बना देता है, घटिया बना देता है, कि हिंदी डब देखने का भाई मजा ही खराब हो जाता है। तो क्रंची रोल भाई इस बार ऐसे भाई कोई स्टूडियो को भाई डब करने के लिए देने वाला है, जहां पर शायद जो हमारे OG वॉइस कास्ट हैं, जैसे कि गोकू के लिए अंकुर जावेरी सर, किड गोकू के लिए श्रुति सिन्हा, वेजिटा प्रसाद बर्वे के लिए, ये सब हमें शायद उनमें देखने को नहीं मिलेंगे। अंदर की बात ऐसी पता चली है कि शायद ऐसा चांसेस है कि इसका हिंदी डब में वॉइसेस भाई चेंज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ ना भाई तो हिंदी डब का जितना भी मजा है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। मतलब जितने भी भाई OG वॉइस एक्टर हैं, गोकू के, वेजिटा के, पिकलो के, वो सारे भाई सिर्फ वॉइस एक्टर नहीं है, इन सारे कैरेक्टर्स की भाई आत्मा है, जान है, सोल है, और अगर वॉइसेस चेंज कर दिया ना भाई
तो मजा जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। फिर हिंदी डब देखने का भाई कुछ मजा ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि भाई फैन डब देख रहे हैं। क्योंकि देखो यार, आप लोग मानो या ना मानो, जितने भी भाई हिंदी वॉइस एक्टर्स हैं, ओजी वॉइस एक्टर्स, उन्होंने इस कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से भाई प्ले किया है ना कि उनके अलावा हम लोग और किसी की वॉइस सुनेंगे तो भाई जो हमारा दिल है, दिमाग है, वो भाई उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्रंचीरोल इंडिया, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो भाई, तो प्लीज भाई जितने भी आवाजें हैं वो चेंज मत करना। ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल जी काई, इन सब में हमने जो वॉइसेस सुनी थी, ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो जो मूवी हिंदी में डब हुई थी, जो आपने ही करवाई थी, तो उसमें भी भाई जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट थे, गोकू, वेजिटा, पिकलो, बुलमा, वो सारे वॉइसेज ही हमें ड्रैगन बॉल डाइमा में सुनने के लिए चाहिए। और गाइज यार, आप हमें यार सपोर्ट कर सकते हो, हमें यार आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट का जरूरत है। आपको सिर्फ करना ये है कि द इंडियन गोकू टीम ने एक रील डाला है, या वो रील आपको मेरे इंस्टा पर भी मिल जाएगा, तो आपको सीधा मेरे इंस्टा पर जाना है, ठीक है। और जो रील है ये वाला, यहाँ पर आपको भाई क्रंची रोल को टैग करना है, क्रंची रोल इंडिया को, और टैग करके लिखना है वी वांट ओजी वॉइस एक्टर्स फॉर दिस एनिमे। बस इतना आपको यार करना है ताकि क्रंची रोल इंडिया तक हमारी आवाज पहुंचे, ताकि वो हमारे ओजी वॉइस एक्टर्स को ही लाए। वरना भाई अगर वॉइसेस चेंज हो गए ना, तो फिर भाई पछताने के अलावा हम लोग फिर भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जाओ और जाकर जल्दी से क्रंची रोल इंडिया को टैग करो उस रील में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो गेम से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ 24 घंटा के अंदर इसके रिलीज के बाद 3 मिलियन से ज्यादा कॉपीज इसका बिक गया। मतलब भाई क्या हाइप है यार, 24 घंटे के अंदर, सोच रहे हो। हमारा अगला अपडेट है डेथ नोट से लेकर। तो डेथ नोट का एक नया प्रोजेक्ट भाई रिवील हुआ है, जिसका टाइटल है डेथ नोट किलर विथिन। और जो भाई ये सीरीज है, ये एक ओरिजिनल भाई हिट सीरीज होने वाली है डेथ नोट की, जिस पे अभी भाई काम चल रहा है सोएसा के द्वारा, अकॉर्डिंग टू लीक्स के द्वारा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी भाई अपडेट आता है बाद में, तो मैं आपको बता दूंगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एक ओरिजिनल टीवी एनिमे से लेकर, जिसका नाम है मोमेंटरी लिली। तो यह शेड्यूल हुआ है जनवरी 2025 के लिए। हमारा नेक्स्ट अपडेट है रानमा 1986 वर्सेज रानमा का जो रीमेक है उससे लेकर। तो आप देख सकते हो कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई, क्वालिटी से भी लेकर और एनिमेशन से भी लेकर। आपको कौन सा यार सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, आप कमेंट में बता सकते हो। हमारा नेक्स्ट अपडेट है दी एपोथेकरीज डायरीज से लेकर, इसके सीजन 2 से लेकर। तो इसका जो नया जानकारी है वो हमें मिलने वाला है 22 अक्टूबर को। हमारा जो अगला अपडेट है ये है काउबॉय बीपॉप की मूवी से लेकर। तो जैसा कि आपको मैंने लीक दिया था कि इसका हिंदी डब पे काम चल रहा है, और फाइनली इसका जो हिंदी डब है भाई यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है सोनी पिक्चर्स के द्वारा, वो भी हिंदी डब के साथ, वो भी फुल मूवी। सोच रहे हो भाई, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने इसको हिंदी डब में भाई डब करवाया है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। तो आप जाकर भाई इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के नाम जानना है कि किस कैरेक्टर को किसने डब किया है, तो उनके भी नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही दिग्गज वॉइस एक्टर्स ने भाई इनमें अपना वॉइस दिया है, और इन वॉइस एक्टर्स के बारे में पता लगाया है दी गोकू ऑफिशियल रियल और दी एमए गीक ऑफिशियल ने। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला अपडेट है जापान से लेकर। तो जापान में भाई एक टीचर है, जिसने भाई एक जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसको भाई रिजर्व कर लिया है कि उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। हुआ ये था कि जो ब्लैक बोर्ड है वहां पर किसी स्टूडेंट ने वन पीस गियर 5 का भाई ड्राइंग बनाया था, और उस टीचर को वो ड्राइंग इतना ज्यादा बढ़िया लगा कि उसने भाई बोल दिया है कि इसे कोई नहीं मिटाएगा। मतलब भाई वो टीचर तो वन पीस फैन निकला। हमारा नेक्स्ट अपडेट है टॉप एनिमे एपिसोड से लेकर, जो कि भाई इस वीक आए थे, जिसको बहुत अच्छा भाई रेटिंग मिला है। जैसे कि री जीरो सीजन 3 के एपिसोड 2 को रेटिंग मिला है 9.4 का, डेंडा डन का एपिसोड 2 को भाई रेटिंग मिला है 8.4 का, और ड्रैगन बॉल डाइमा के एपिसोड 1 को रेटिंग मिला है 8.3 का। हमारा नेक्स्ट अपडेट है यू आर सोबी एनिमे से लेकर, जिसके सारे एपिसोड्स अब स्ट्रीम हो रहे हैं एनिमे टाइम्स पर। और इसका जैसा भाई विजुअल है, देखकर लग रहा है कि ये उस तरह का एनिमे होने वाला है, और लोग डिमांड कर रहे हैं इसका हिंदी डब के बारे में, क्या बात है।
हमारा जो अगला अपडेट है ये है डिटेक्टिव कॉनन फैंस के लिए, और ये न्यूज सुनने के बाद भाई डिटेक्टिव कॉनन फैंस बहुत ही ज्यादा भाई खुश होने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये डिटेक्टिव कॉनन के न्यू एपिसोड्स के बारे में नहीं है, ये डिटेक्टिव कॉनन की एक न्यू मूवी के बारे में है जो कि भाई ईटीवी बाल भारत पर आने वाली है। मतलब इतने टाइम बाद कोई न्यू मूवी भाई आने वाली है ईटीवी बाल भारत पर, जिसका नाम है द ब्राइड हेलोवीन। और ये ईटीवी बाल भारत पर आने वाली है 31 अक्टूबर को थर्सडे के दिन शाम के 5 बजे। तो कितने ज्यादा भाई एक्साइटेड हो भाई न्यू मूवी के लिए कमेंट में जरूर बताना। और बात रही इसके न्यू एपिसोड्स के बारे में, तो फिलहाल भाई उसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं है। फ्यूचर में अगर भाई कोई जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ब्लू लॉक द मूवी एपिसोड नागी से लेकर। तो ये मूवी भाई स्ट्रीम होने वाली है इंडिया में क्रंची रोल पर 18 अक्टूबर से शाम के 5:30 बजे। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड से लेकर। तो आपने भाई जो न्यू एपिसोड देखा था तो इसमें किस वॉइस एक्टर ने कौन से कैरेक्टर को डब किया था, उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। और इसके बारे में पता लगाया है सस्ता और टाकू ने। हमारा अगला अपडेट है बंडाई नामको से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसने बहुत सारे एनिमे गेम्स को भाई कैंसल कर दिया है, इंक्लूडिंग वन पीस और नारुतो। ये दोनों का भी गेम नहीं आने वाला है जो कि आने वाला था। हमारा अगला अपडेट है हंटर एक्स हंटर के जो ऑथर है उनसे लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि उनसे रिगार्डिंग एक न्यूज आया है कि उनका जो भाई तबीयत खराब था, जो उनका बैक भाई खराब था और उनको बैठने में भाई प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब वो भाई धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और उनका जो बैक है वो अब ठीक हो गया है, तो वो ड्रॉइंग अब बहुत अच्छे से बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड से लेकर। तो इस एनिमे का सारा एपिसोड हिंदी डब के साथ अब स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर, और इनके वॉइस एक्टर का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा अगला अपडेट है प्रसाद बर्वे से लेकर। तो वैसे तो भाई प्रसाद बर्वे किसी भी इवेंट में जाते नहीं है, पर पहली बार वो भाई किसी इवेंट में जाने वाले, तो आप भाई टिकट्स भाई बुक कर सकते हो अगर आप उनके बहुत बड़े फैन हो तो। ये वॉइस एक्टर है पर मैन एस कैचम कार्टून नेटवर्क डब में, वेजिटा, कंगफू पांडा और भी बहुत सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स। तो आप चाहो तो भाई टिकट बुक कर सकते हो। ये जो इवेंट है ये होने वाला है 20 अक्टूबर को संडे के दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। बाकी के जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है विचार एंड वाइफ के यूट्यूब चैनल से लेकर। तो वहां पर आने वाले हैं हिंदी राइटर ऑफ फेमस हॉलीवुड मूवीज और टॉलीवुड मूवीज के, जिन्होंने डेडपूल 1 और 2 का भाई स्क्रिप्टिंग किया है, आइस एज का जितने भी पार्ट्स अभी तक आए हैं उनका स्क्रिप्टिंग किया, कंग फू पांडा के सारे जो पार्ट्स हैं उनका भाई स्क्रिप्टिंग किया है, मिशन इम्पॉसिबल, ओपेनहाइमर, फास्ट एंड द फ्यूरियस, ये तो हुआ हॉलीवुड मूवीज का। बात की जाए भाई टॉलीवुड का तो यवाडू, सन ऑफ सत्यमूर्ति, जनता गैराज, रेबल और भी बहुत सारे भाई आइकॉनिक मूवी का इन्होंने भाई हिंदी स्क्रिप्टिंग किया है, और ये आने वाले हैं विचार एंड वाइब्स के यूट्यूब चैनल पर इसी फ्राइडे को। और कमेंट सेक्शन में लोग भाई कमेंट कर रहे हैं कि ये संकेत मात्रे हैं भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई, साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी राइटर, तो ये संकेत मात्रे कैसे हो सकते हैं। शायद थंबनेल में जो भाई डेडपूल दिखाया गया है तो उन्होंने पूरा कैप्शन पढ़ा नहीं है फैंस ने और ऐसा गेस कर रहे हैं, तो ये संकेत मात्रे नहीं। ये कौन होने वाला है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आज का एनिमे अपडेट कमेंट में भाई जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।